साल में देखते देखते 7 डेज हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, और 7 डेज का टाइम पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि हम पूरा असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा पूरा साल कैसे जाने वाला है और ये 7 डेज हमारे कैसे गए। लेकिन ये मास खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें हम अव्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा के समान बनने का भी प्रयास करते हैं, वो भी पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने काफी इंटरेस्टिंग बात कही है मुरली में आज कि अब अपने कार्य को समेटने का शुरू करो। तो इस पे थोड़ा पहले हम सब मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, हमें क्या क्या समेटना है। सभी को ये लाइन याद आ गई होगी, बाबा ने कहा अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। तो क्या क्या समेटना है हमें? ओम शांति। जी आज बाबा ने मुरली में कहा था कि अब हम सभी बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है। मीन्स हमारा अभी वो समय नहीं है कि हमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट इस दुनिया में लेकर के अपने समय बिगाड़ना है। इसलिए बाबा रोज ही मुरली में लगभग कहते हैं कि देह देह के संबंध देह के पदार्थ सभी से बुद्धि हटा एक मुझ बाप को याद करो। इसी तरह से जहां जहां हमारी बुद्धि जिन जिन संबंधों में पदार्थों में इच्छाओं में तृष्णा में मतलब पांच विकारों की जितनी भी प्रकार की एनर्जी है उसमें हमारी बुद्धि फंसी हुई है उस सब से हम संबंधों का किनारा करके बाप को ही याद करना और बाप द्वारा दी गई श्रीमत के आधार पर ही अपने जीवन को जीना। राइट। और कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि बाबा ने आज ये भी कहा एक मुरली में कि विनाश ज्वाला तेज जो होगी उसको तेज करने का कार्य हमें ही करना है, हमें शंकर का वेट नहीं करना है। और वो कैसे तेज होगी? हमारे ही संकल्पों से होगी। और वो संकल्प चाहिए उपरांत वृत्ति के, वैराग्य वृत्ति के, अर्थात समेटने के। तो कई कुछ भाई बहनों ने इसमें आंसर किया है कि संकल्पों को समेटना है, पुरुषार्थ को समेटना है, लगाव को समेटना है, देह संबंध सेवा पुराने संस्कार इनको भी समेटना है। और कोई भाई बहन कुछ शेयर करना चाहते हैं? रियलाइजेशन क्या है कि हमें क्या समेटना है? कोई भी शेयर करें। स्वयं को बिंदु में स्थित करना है, वेस्ट थॉट्स को समेटना है, बोल के भी शेयर कर सकते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे वो एक मोमेंटम क्रिएट होगा, एक वो एनर्जी क्रिएट होती है इस थॉट से। ओम शांति भाई जी, मैंपन और मेरापन को भी समेट सकते हैं, इसी में सब कुछ आ गया। क्योंकि जिस चीज को हम मेरा कहते हैं उसी को मेरा एक बाबा और बाकी सब कुछ जो मेरा है उसको समेटते जाना है। और मैंपन मतलब मैं अब जहाँ मैं जहाँ निमित्त भाव नहीं है वहां लगाव आता है, तो उसको समेटने से संकल्प अपने आप कम होते जाएंगे और जो हम जो उपराम वृत्ति है वो बनती जाएगी। राइट। और कौन शेयर करना चाहेंगे? गीता बहन यूएसए से आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? क्योंकि पर्पज इसका है कि जितने भाई बहन मिलके आपस में शेयर करें उतनी अच्छी बात है।
आपको सबको एनकरेज किया जा रहा है कि आप शेयर करें थोड़ा कि क्या क्या हमें समेटना है, क्या एजेंडा है हमारे इस साल का, क्योंकि हम सब ने देख लिया है कि अब ये समेटने का ही वर्ष है। तो वो हमें क्लैरिटी चाहिए कि हमें क्या क्या समेटना है। कोई भी एक दो भाई बहन शेयर करें। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपका आप कहाँ से हैं आप? मैं लवीना फ्रॉम नासिक। ओके। भाई जी, आई थिंक वेस्ट थॉट्स को समेटना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे आर द टाइम वेस्टर्स और एनर्जी वेस्टर्स। तो अभी मेरा अनुभव ऐसा है, थोड़ा सा भी वेस्ट थॉट्स आ जाते हैं तो मेरे सर में हेडेक हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन, बिंदु रूप में स्थित हो जाती हूँ तो एवरीथिंग बिकम्स क्लियर एंड सब कुछ शांत हो जाता है। ओम शांति। राइट, थैंक यू। ओके, तो प्रतिबंध शुरू किया जाए फिर आज का। जी भाई जी, पहली मुरली कौन है? आज की पहली मुरली 23/1/74 की, अब शक्ति सेना नाम को सार्थक करो। अंचल बहन, आप शुरू करेंगे। ओम शांति। 23/1/74, अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। आज की मुरली में बाबा के सम्मुख बहनों का ग्रुप है और बाबा एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो आपका नाम है शक्ति सेना, उसके अकॉर्डिंग कर्तव्य भी करो। तो सबसे पहले बाबा प्रश्न पूछते हैं, क्या आप अपने को शक्ति सेना की वॉरियर समझते हो? तो हमें भी अपने आप से प्रश्न पूछना है कि डू वी रियली कंसिडर अवर सेल्फ एज ए वॉरियर? अगर हम अपने आप को योद्धा समझते हैं तो हमें 5 क्वालिटी जो स्थूल सेना आर्म्ड फोर्सेस में होती हैं वो हमें भी होनी चाहिए। और उन 5 क्वालिटीज को याद रखने के लिए हम आर्म्ड वर्ड ही याद रख सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है ए। ए मतलब एक्टिव और अलर्ट, यानी सतर्क, यानी दुश्मन जो हमारी माया दुश्मन है वो हम पर कभी भी अटैक कर सकती है, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमने लौकिक में भी सुना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए सेना रूहानी योद्धाओं को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और दूसरा है आर, यानी रिफाइनमेंट। जैसे दुनिया में भी अगर सेना के पास हथियार ऑब्सोलीट होंगे, आउटडेटेड होंगे, तो युद्ध में जीतना मुश्किल होता है। इसलिए हम रूहानी योद्धाओं को भी समय समय पर अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए कि जो हमारे वेपन्स हैं, हमारी टेक्निक्स हैं माया से लड़ने की, उनको समय समय पर अपग्रेड करते रहना चाहिए ताकि हम हर बैटल में जीत जाएं। तीसरा है ई एवर रेडी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है सेना की। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती है तो परिणाम बदल जाते हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि अगर स्थापना की तैयारी कम होगी तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि समय पर हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं वो समझना रोंग है। और बाबा अक्सर हमें याद दिलाते हैं कि बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है। बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इतना समय हमें क्यों दिया जाता। तो हमें ये याद रखना है कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको टाइम दें। और बाबा ने एक 1-लाइनर हम याद रख सकते हैं कि 1 सेकंड का इशारा अर्थात सदा देही अभिमानी, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि उस समय हो जाएगा तो फिर वो समय तो पॉइंट सोचने में ही चला जाएगा। इसलिए हमेशा सेना की तरह हमें भी एवर रेडी रहना चाहिए। और फिर है MM फॉर माइट। सेना शब्द का पर्यायवाची ही है शक्ति। अगर सेना शक्तिशाली है तभी देश महफूज रहता है। तो बाबा ने हमें युक्ति बताई कि कैसे हम सर्वशक्ति संपन्न बन सकते हैं। तो सदा यह स्मृति में रखो कि बाप का नाम क्या है और महिमा क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने कही कि अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम न किया तो बाप का नाम वाला कैसे करोगी। तो जैसे बाबा का नाम है शक्ति दाता, चढ़ती कला में ले जाने वाले, तो अगर वो नाम
हमने अपने काम से सबको नहीं दिखाया तो हम बाप का नाम वाला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम रूहानी योद्धाओं को अपनी सभी शक्तियां, अष्ट शक्ति राइट टाइम पे राइट प्लेस पे यूज करनी आनी चाहिए। और लास्ट है डी, डेस्परेट। जैसे सीमा पर जवान हमेशा रक्षा के लिए कितना जोश और जज्बे में हमेशा रहता है कि हम विजयी बनेंगे ही, वैसे ही हम रूहानी योद्धाओं को भी हमेशा इस डेस्परेशन में, इस लगन में रहना चाहिए कि हम भी बाबा के सपने को साकार करके रहेंगे। दूसरे पार्ट में बाबा ने कहा कि यह देखना कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ हो, एक सेकंड भी ठहरती कला न हो, गिरती कला की तो बात ही नहीं। यानी जैसे गिरती कला शब्द को हमने डिक्शनरी से हटा दिया, वैसे ही जो कभी कभार ठहरती कला की स्टेज अभी भी आ जाती है उसे भी हमें दूर कर देना है। फिर बाबा ने दो बहुत ही पावरफुल सम्मान हमें याद दिलाए, जो बेसिकली हमारा मुख्य सम्मान है, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, उसी का ही पार्ट है एक तरीके से। तो बाबा कहते हैं कि आप हो पंडे, पंडे रुक गए तो विश्व की सब आत्मा रुक जाएंगी। यानी विश्व की सब आत्माएं हमें गाइड, मार्गदर्शक के रूप में फॉलो कर रही हैं, इसलिए हमारा रुकना मना है। फिर दूसरा बाबा कहते हैं कि आप गाड़ी के इंजन हो, इंजन ठहर जाए तो डिब्बे तो स्वतः ठहर जावेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप लोगों का एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतने जिम्मेवारी समझकर चलती हो? तो जब कभी भी पुरुषार्थ में हलचल आए तो हम एक बात भी याद रखें कि मेरे रुक जाने का मतलब है बाकी सबका रुक जाना, तो शायद हम बहुत जल्दी अपनी स्टेज को फिर से ऊपर ले आए। और आज की मुरली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहा, बाबा ने कहा कि आपका जो पुरुषार्थ है वो निराधार हो। यानी बाबा कह रहे हैं कि अपने आप प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार रखना मतलब कमजोरी है। नो डाउट जो भी भट्टी इत्यादि हम संगठन के सहयोग से करते हैं उसका हमें बहुत सहयोग मिलता है, लेकिन यह बाबा कहते हैं यह आधार भी नहीं हो कि कोई हमें सुनाए, कोई भट्टी कराए तो हमारा पुरुषार्थ बढ़े, किसी की क्लास से इतना अटैचमेंट हो जाए कि क्लास नहीं आ रही तो पुरुषार्थ ही खत्म। तो किसी भी चीज में डिपेंडेंसी ना हो, क्योंकि जब तक बाबा से तार नहीं जुड़ी थी तो हम किसी का भी आधार ले वो चलता है, लेकिन जब तार जुड़ चुकी है उसके बाद भी हम जीवन को ऐसे चलाते जाएं कि जीवन ही आधार बन जाए वो सही नहीं है। तो बाबा हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ निराधार हो, और बाबा कहते भी हैं कि धीरे धीरे सब आधार निकल जाने हैं, तो समय उन आधार को हमसे छीने या हटाए उससे पहले ही हम खुद निराधार पुरुषार्थ की आदत डाल लें। और आज की मुरली से हम सम्मान ले सकते हैं कि मैं निराधार पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूँ, और दूसरा मैं विश्व की सर्व आत्माओं को राह दिखाने वाली रूहानी गाइड हूँ। ओम शांति। आचल बहन, जैसे बाबा ने कहा हर वक्त भट्टी में रहना है, यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है, इस बात को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में? और यानी बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमें एक मेन, अगर हम ब्रॉड व्यू से देखें तो सब प्लान समझ आ गया कि हमें करना क्या है, तो फिर उस बड़े प्रोग्राम को देखें, छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो बनते हैं वो तो सही हैं, बट हम एक बर्ड आई व्यू लेके चलें कि हमें समझ आ गया काम क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कर्तव्य करते रहें, रुके ना। ओके, राइट, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल ले लेते हैं। हेलो, ओम शांति जी। जी, इसके अभी हम 28 जनवरी 1974 की ले रहे हैं। ये बहुत छोटी मुरली है लेकिन बहुत गहरी बात करती है कि महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। इसमें बाबा ने
हमें एक शिक्षा दी है कि बच्चे तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। जैसे हम एक आर्मी के बात करें कि उसे वो बॉर्डर पर बैठा है और उसे वहां पर सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन यदि वो अलर्ट नहीं है कि दुश्मन का कभी भी वार हो सकता है और वो उसको जो सुविधाएं दी गई हैं वो उसी में ही यदि मग्न हो जाए तो फिर वो कभी भी हार खा सकता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमें सारी सुविधाएं हैं, हमें सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये अलर्टनेस रहे कि हम एक युद्ध के मैदान में हैं। अभी हम संपूर्णता की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं, हम निरंतर हमारा युद्ध है हमारे अंदर की, कह सकते हैं कि अंदर की जो बुराई है या कमजोरी है, कमियां हैं, पुराने संस्कार हैं, पुराने हिसाब किताब हैं, कई परिस्थितियां हैं, कई हमारे अंदर जो पुराने दर्द हैं, कुछ भी जो है, लेकिन उन सब के साथ हमारी एक तरह से युद्ध है। उन सबको हमें क्लीन करना है, हील करना है बाबा की शक्ति से, यानी कि योग बल से। तो बाबा, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि कहीं योद्धापन भूल कर अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो। कि हमें बाबा याद दिलाते हैं रोज के बच्चे तुम्हारा युद्ध चल रहा है, माया से युद्ध कर रहे हो, लेकिन फिर हम उसे भूल करके दिन भर में जो हमारे संबंधों का सुख है, हमारे हमें साधनों का सुख मिला है, जीवन में सारे हमें सुख सुख मिले हैं, हम उनमें चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि बाबा ने हमें क्या बोला, कि हमें करना क्या है, हम किस यात्रा पर निकले हैं वो हम भूल जाते हैं। तो यदि जैसे वॉरियर को धुन लगी रहती है विजय प्राप्त करने की, क्या ऐसे मायाजीत बनने की लगन अग्नि की तरह प्रज्वलित है? तो क्या हमारे अंदर पूरे समय वो धुन लगी है कि मुझे विजय प्राप्त करना है? क्योंकि दिन भर में ही माया आएगी, जो युद्ध होगा वो पूरे दिन भर होगा। सुबह तो कुछ देर हम बाबा के ज्ञान को समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उन्हें शक्ति भी बाबा से भरते हैं, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र हमें मिले हैं ज्ञान के रूप में, शक्तियों के रूप में, उसे हमें यूज तो परिस्थितियां आने पर ही करना है, संबंधों के हिसाब किताब में ही करना है। तो उस वक्त हमारे अंदर ये स्मृति रहे कि मुझे इन सब पर जीत प्राप्त करनी है, ये वो लगन बनी रहे कि वो स्मृति स्वरूप हम बने रहे कि मुझे करना क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है, जो इतनों वर्षों से बाबा ने हमारी पालना की और हमें सेवा के निमित्त बनाया। तो जैसे जैसे हम सेवाओं में आगे बढ़ते हैं तो हमारी महिमा भी होती है, प्रशंसा भी मिलती है, कहीं कहीं हमारे अंदर एक सूक्ष्म एक आशा भी रहती है, एक फीडबैक लेने की कि मैंने कैसी सेवा की, मैंने कैसा भाषण किया, मेरा कैसा रोल रहा, तो वो हम जानना चाहते हैं। कभी कभी प्रशंसा की भी एक भूख होती है। तो बाबा कहते हैं कि यदि हमने उस फल को स्वीकार कर लिया, यदि किसी ने हमारी प्रशंसा की और हमने कहा हाँ मैं ही ये सेवा कर सकती हूँ, मैंने सेवा बहुत अच्छी की, तो यदि हमने उस वक्त उस फल को स्वीकार कर लिया, यानी कि हमारा आगे का जो रास्ता है वो रुक गया, हम वहीं पर संतुष्ट हो गए, वहीं पर ही खुश हो गए, जबकि यात्रा तो बहुत ऊंची है। ओम शांति। हाँ जी, सभी अपने माइक म्यूट रखिए प्लीज। तो हमारी जो मंजिल है वो है कर्मातीत स्टेज की, संपूर्ण तपस्वी जीवन, अतिंद्रिय सुख, ये प्राप्तियां हैं, इसका ये फल है वो हमको नहीं मिल पाएगा यदि हम छोटे छोटी प्रशंसा में महिमा को स्वीकार कर लेते हैं। तो जो हमने योग बल जमा किया है, जो रूहानी ताकत हमारे अंदर भरी गई है अभी तक, वो कम होने लगती है यदि हमने प्रशंसा को स्वीकार कर लिया, महिमा को स्वीकार कर लिया। तो वो रूहानी ताकत हमें भरते जाना है, वो भरते हुए आगे बढ़ना है, उसमें कहीं भी व्यर्थ ना आए, किसी भी तरह की मैंपन ना हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने अच्छा किया, नहीं, मुझे तो बहुत आगे। सिर्फ हमारा लक्ष्य, हमारी जो एक बाबा ने हमें बताया है कि संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना, वो हमारा लक्ष्य हमारे सामने हो, और बीच में जो छोटी छोटी बातें आती हैं, चाहे वो सुखद होती हैं, लेकिन उनमें हमें रुकना नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं हो ना, कि
योग बल से ही हमें जो भी प्राप्ति करनी है अपने स्वयं के योग बल से ही करनी है, सिर्फ बाबा से ही लेना है और किसी को भी आधार नहीं लेना। पुरुषार्थ के लिए भी कि आज हम सब हैं, क्लास कर रहे हैं तो पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन कल यदि हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं, सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, संगठन का बल नहीं है, तो ऐसा नहीं हो कि हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तो इतनी हमारे अंदर वो शक्ति जमा हो कि कैसी भी परिस्थिति आए तो हम उसमें भी अपने योग बल को यूज कर पाए, उसका प्रयोग करते जाएं। तो इसीलिए योग का प्रयोग हमें निरंतर करते रहना है। जैसे कि हम जो यात्रा पर चल रहे हैं तो जो भी बातें परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही हैं, उन्हें हमें योग के प्रयोग से ही उसे हमें क्लियर करना है, आगे बढ़ना है योग की शक्ति से, किसी व्यक्ति का सहारा लेकर के नहीं कि कोई मुझे सहारा दे, कोई मेरी बात सुने, या कभी हम उदास हो जाते हैं तो किसी को हम शेयर करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर इच्छा नहीं हो, उस वक्त हमें बाबा ही याद आए, बाबा से ही योग लगाने की ही इच्छा हो, कोई व्यक्ति का हमारे अंदर सहारा हम ना ढूंढें। इसीलिए बाबा ने कहा कि योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है, जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आता है, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है। हमारे पास सब कुछ है जो हमें सहारा दे सकते हैं, सारे साधन हैं, व्यक्ति हैं, अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने ही बल पर जो है उस परिस्थिति को क्रॉस करना है। ये नहीं सोचना कि जैसे कि ये समय भी आएगा कि हमारे पास भोजन की कमी हो सकती है, स्थूल साधनों की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर इतना योग बल हो कि हम उसके बिना रह सकें। वो ट्रायल हमारे अंदर होनी चाहिए, वो ट्रायल भी करें कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़े, वो शक्ति मेरे अंदर जमा हो। तो ये मुरली जो है बहुत ज्यादा गहरी है, छोटी सी है, एक पैराग्राफ की है, लेकिन बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी हो सकती है। अच्छा, ओम शांति। काफी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि किसी भी आधार पे जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी देखा जाए तो सभी के पुरुषार्थ का आधार जूम हो गया है। तो कैसे इससे हम डील करें? राखी बहन, आपको क्या लगता है इस समय क्या हो गया है कि हम बहुत डिपेंड हो गए हैं, कि बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, यहाँ तक कि पहले जो अमृत वेला हमारा निराधार था, अभी वो आधार से हो गया, उल्टा ही हुआ है ना? जी जी, तो जी। ये तो उल्टा ही होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा संस्कार तो आधारित होने का हो गया? और लेकिन ऐसे भी नहीं हो कि हमें अमृत वेला मोबाइल से ही करना है, उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। नहीं, वो तो अमृत वेला तो साइलेंस में ही रहना अच्छा है। तो ये इसीलिए भी शुरू किया कि नए जो आत्माएं जुड़ रही हैं, जो कोर्स कर रही हैं, तो उनको एक लगता है कि हम कैसे करें, घर बैठे ही उनको सुविधा मिल जाए। एक सेवा के रूप से हम अमृत वेला करा रहे हैं, लेकिन हमें स्वयं के पुरुषार्थ के लिए तो उस पर निर्भर नहीं रहना है, साइलेंस का ही अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, जो भी पुराने भाई बहन है, वीक में कोई भी एक दिन चूज करके उस दिन बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के, बिना किसी भी साधन के हम करके देखें पुरुषार्थ, तो हमें पता चलेगा कि कितने निराधार भी हमारा कितना हो पा रहा है, तो वो भी एक अटेंशन जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुरली लेते हैं, कौन सी है जी? नेक्स्ट 3rd February 74 की, उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। रश्मि बहन, रश्मि सरिया बहन। जी, ओम शांति। ये जो मुरली है इसमें बाबा ने उपराम वृत्ति और ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प की भूमिका बताई है, क्योंकि विनाश का कार्य जो है वो हम आत्माओं की बेहद की वैराग्य वृत्ति जब इमर्ज होगी और ज्वाला स्वरूप का हमारा योग होगा, तभी वो विनाश का कार्य संपन्न होगा, क्योंकि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं शुरू में मुरली में कि जैसा कि जैसे बाप जो है वो साकार, आकार और निराकार तीनों रूप में हम बाप दादा को अनुभव करते हैं,
उसी तरह से वैसी ही स्थिति हमारी भी बन गई है, मतलब साकार में होते हुए भी निरंतर हमको आकारी और निराकारी स्वरूप की खींच होती रहनी चाहिए, उसका अनुभव हमको निरंतर बना रहना चाहिए, क्योंकि उसी से हम इस पुरानी देह और देह की दुनिया से उपराम हो सकेंगे। क्योंकि आकारी और निराकारी स्वरूप की जब हमको आकर्षण हो जाएगी, इतनी ज्यादा आकर्षण, क्योंकि उसमें इतना अतींद्रिय सुख है, इतनी उसमें फ्रीडम है कि उसमें स्थित होने से, वह उस स्थिति में स्थित होने के बाद ये पुरानी देह या पुरानी दुनिया की आकर्षण ये हमको बहुत फीकी लगेगी या असार लगेगी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि उस स्थिति में हम साक्षी होकर इस पुरानी दुनिया के खेल को देखेंगे। तो ये जो स्टेज है ये लाइट हाउस और पावर हाउस की स्टेज है और विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। ये ऐसी स्टेज है जिसमें जैसे ही कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आएगी तो उसको स्वतः ही लाइट और माइट की प्राप्ति होती जाएगी। तो बाबा इसको बाप समान स्थिति का बाप समान स्थिति बता रहे हैं कि बाप समान स्थिति जो है उसमें हमको महादानी, वरदानी, सर्वगुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, संग से रूहानी रंग लगाने वाले, नजर से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बताने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं ये हमारा लक्ष्य है। तो आज बाबा ने काफी इलाबरेट करके बताया है हमको। ऐसे तो हम लोग सार में कह देते हैं बाप समान, लेकिन बाबा ने हमको ये इतनी सारी पॉइंट्स दी हैं कि जो बाबा हमको पुरुषार्थ बता रहे हैं आकारी और निराकारी का, तो उससे हमारे अंदर इतनी सारी ये क्वालिटीज आएंगी जिससे सारे विश्व को प्राप्ति होनी है। तो ये जो लक्ष्य है इसके नशे में हम कितना रहते हैं, इस ये बाबा पूछ रहे हैं। फिर आगे बाबा पूछ रहे हैं कि जो जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, सामने हमको दिखाई दे रहा है आज के समय प्रमाण भी, लेकिन हमारी स्थिति की समीपता कितनी है, मतलब हमने अपने जो हमारे हमारा कार्य है और हमारी स्थिति है, स्थापना का कार्य और हमारी जो स्थिति है, दोनों को संपन्न बनाने के इंतजाम में हम लगे हुए हैं। क्योंकि विनाशकारी जो आत्माएं हैं, जो विनाश के निमित्त आत्माएं हैं, उनका तो सब कुछ रेडी है, सारा प्रबंध उन्होंने किया हुआ है, लेकिन हम उतने रेडी हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि कहीं हम जैसे कभी भी हम जब भी समय की समीपता या इनके बारे में सोचते हैं तो इंडिविजुअली हमको चेक करना चाहिए कि हम कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि या तो जो होगा सो देखा जाएगा या जैसे सब करेंगे, अभी तो कोई बना नहीं है। तो बाबा इसको कह रहे हैं कि ये अलबेलापन है। तो हमको ये चेक करना है कि हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं कि ये कार्य मेरे द्वारा होना है, मेरी स्थिति के द्वारा होना है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि क्या शंकर विनाश कराएंगे, क्या शंकर निमित्त बनेगा या और कोई निमित्त बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि यज्ञ रचने वाले बाप और बाप के साथ में जो बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, वो निमित्त बनेंगे। क्योंकि जब यज्ञ को रचा गया तभी से यज्ञ कुंड से ही विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई है। तो यही जो विनाश ज्वाला है, यही विनाश का कार्य संपन्न करने के निमित्त बनेगी, लेकिन इसको तेज करना है हमको। तो वो तेज करने वाले भी हम ही हैं और वो हमको करना पड़ेगा ज्वाला रूप बनकर, अपनी जो हमारी जो ज्वाला रूप स्थिति है उस संकल्प से, उससे ही ये जो विनाश ज्वाला है ये इसको तेज करना पड़ेगा। जैसे जलती हुई कोई भी अग्नि होती है तो उसको बीच बीच में तेज किया जाता है, किसी भी अर्थी को जलाते हैं तो बीच बीच में अग्नि को तेज करते हैं। तो इसी तरह से विनाश की ज्वाला को भी तेज करने के निमित्त भी हम ही आत्माएं हैं। तो बाबा हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी हमारी बता रहे हैं कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने के निमित्त आत्माएं हैं। तो ये जो जिम्मेवारी है ये बाबा के साथ साथ हमारी भी है। हम ये सोचते हैं कि ये तो केवल वरिष्ठ या दादियों की ही जिम्मेवारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा हम सभी बच्चों के लिए आया है और हम सभी आत्माओं को अपने ऊपर ये जिम्मेवारी समझनी है कि मुझे वो स्थिति धारण करनी है जो बाबा मेरे से
एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर आगे बाबा ने कहा कि ये जो विनाश का कार्य है, ये हमारी उपराम वृत्ति से संपन्न होगा, क्योंकि ये जो उपराम वृत्ति है, इसमें बाबा ने तीन संकल्प बताए कि एक तो अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो, दूसरी बात सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं, और तीसरा अब घर चलें। तो ये जो तीनों बातें हैं, इन ये तीन अवेयरनेस अगर हमारे अंदर हर समय रहेगी, तभी विनाश ज्वाला भड़केगी और सर्व का कल्याण होगा। तो ये तीन इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर हमको अपने संकल्पों को चेक करना है कि सर्व आत्माओं का कल्याण मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कितना ऊपर है। फिर दूसरा कि हम सर्व दुखी और अशांत आत्माओं को वरदाता बाप और बच्चों द्वारा, मतलब हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए कि हम बाबा का वरदान उन आत्माओं को दिलाकर शांत और सुखी बना सके, और तीसरा घर चलने की वृत्ति, घर चलने की स्मृति कि अब घर जाना है, तो इसी से हम उपराम हो सकेंगे। क्योंकि ये जो हमारी बेहद की उपराम वृत्ति है, मतलब हमारी तो सारी दुनिया से उपराम वृत्ति रहेगी और निरंतर रहेगी, तो ये जो उपराम वृत्ति है, ये जो दूसरी जो विश्व की आत्माएं हैं उन्होंने अल्पकाल के लिए वैराग्य वृत्ति उत्पन्न करेगी, उनको उनके सुखों से उपराम करेगी। क्योंकि जब तक आत्माएं इस संसार से अटैच्ड हैं, इस देह की दुनिया से अटैच्ड हैं, तब तक वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, वे घर नहीं जा सकती। तो उनको भी वैराग्य वृत्ति दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो अल्पकाल की ही हो, लेकिन उसके लिए हमारी सदाकाल की वैराग्य वृत्ति जरूरी है। फिर आगे बाबा ने कहा कि ये वैराग्य वृत्ति हमारे अंदर आएगी कैसे। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे दो तीन बातें बाबा ने बताई कि वैराग्य वृत्ति में करते हुए अकर्ता का भाव होना चाहिए, यानी कर्म के फल के प्रभाव से हमें उपराम रहना है। दूसरा है संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत स्थिति, अर्थात किसी भी संबंध संपर्क से अपनापन नहीं, लगाव नहीं। फिर बाबा ने कहा सेवा से भी लगाव ना हो, निमित्त भाव से सेवा हो। तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इस पर भी हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं कि एक तो हम कर्म के फल के प्रभाव से कितना मुक्त हैं, तो तभी हम कर्मातीत स्थिति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अकर्ता का भाव जो है वो हमारा कितना बढ़ता जा रहा है, संबंध संपर्क में रहते हुए भी हमें उपराम रहना है। तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि कोई भी जैसे अपने हाँ बाबा ने इस बात पर ध्यान खिंचवाया कि हमें अपने कार्य को अब समेटना शुरू करना है, क्योंकि जब अभी से समेटना शुरू करेंगे, क्योंकि जब समेटना शुरू करते हैं, जैसे कहीं भी कुछ समेटना होता है, तो जब तक हम समेटना शुरू नहीं करते तब तक हमको नहीं पता होता है कि कितना काम है। लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तो फिर पता चलता है, अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसी तरह से हम अपने विस्तार को जब समेटना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो लगाव की रस्सियां कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है। तो बाबा ने कहा इस मुरली में कि कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। तो ये लगाव की रस्सियां हमारी कहाँ कहाँ लगी हुई है, क्योंकि मोटे रूप के लगाव तो हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप के जो लगाव हैं हमारे, तो वो भी हमको सूक्ष्म रीति से चेक करके, क्योंकि हमारे ये तब होगा जब हम संकल्प लेवल पर चेकिंग करेंगे कि हमारे संकल्प कहाँ कहाँ जाते हैं, योग में बैठते हुए हमारे संकल्प कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर हम उसकी केयरफुल चेकिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें हमको कुछ डायरेक्शन मिलता जाएगा। फिर इसमें बाबा ने कहा कि जब दुकान समेटनी शुरू करते हैं तो सेल लगाते हैं, तो वो जो सेल लगाते हैं, तो बाबा ने कहा कि ये जो फेयर लगा रहे हैं, यानी प्रदर्शनी इत्यादि लगाते हैं कि सबको जल्दी जल्दी संदेश मिल जाए, वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी यहाँ की, ये भी एक तरह से समेटना है, क्योंकि
हमारी जो यहाँ की ड्यूटी है कि सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश मिल जाए, तो ये भी जल्दी जल्दी हमको संपन्न करना है। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि सर्व को, स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर अगर हम एवर रेडी बना ले, एवर रेडी का अर्थ बाबा ने पहले बताया है कि एक सेकंड में उपराम या एक सेकंड में अशरीरी। तो ये जो पॉइंट है, बाबा ने कहा कि अगर हम एवर रेडी बना लेते हैं तो एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि ये जो आग है, विनाश की जो अग्नि है, जो बाबा ने पहले भी हमको रिमाइंड कराया कि इसको तेज करने वाले या प्रज्वलित करने वाली हम ही आत्माएं हैं, तो हमें हमें तीव्र रहना है, हमें मध्यम नहीं होना है। और अभी हम हमें ज्वाला स्वरूप होकर अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करना है। तो इसमें इतनी दृढ़ता होनी चाहिए हमारे इस संकल्प में, ये जो एवर रेडी बनने का संकल्प है ये इतना पावरफुल होना चाहिए कि हमारे मन में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि ये विनाश कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। चलिए अभी तो आज तो हमको दिखाई भी दे रहा है सामने, जो विश्व में जो चारों तरफ परिस्थितियां आ रही है आगे से आगे, तो हमें सामने ऐसा लगता है कि हाँ विनाश, लेकिन फिर भी हम कई बार अलबेले हो जाते हैं कि क्या पता अभी होगा या 5 साल बाद होगा या 10 साल बाद होगा। तो इन इन संकल्पों में जाने के बजाय हमें ये समझना है कि ये हमारे द्वारा होना है और हमारी लाइट हाउस और पावर हाउस स्थिति कहाँ तक बनी है, और विनाशकारियों को भी हम कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए विनाश करने के लिए। जो हमारी दृढ़ता है, हमारे अंदर जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता जब तक ज्वाला रूप धारण नहीं करेगी तब तक उनको इशारा नहीं मिलेगा और वे भी विनाश नहीं कर सकते। तो सारा मदार जो है, बाबा ने कहा कि वो हमारी स्थिति पर है और हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अब इस विनाश के कार्य को संपन्न करना है, क्योंकि ये जो विनाश है, बाबा ने कहा, यही सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने का एक साधन है। ओम शांति। बहुत ही अच्छा, आपने काफी डिटेल में अच्छे से बताया। तो आप थोड़ा इस बारे में शेयर करना चाहेंगे कि जनवरी मास में क्या विशेष पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, और भाई बहनों के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? भाई जी, जनवरी मास में एक तो ज्यादा से ज्यादा आकारी और निराकारी स्वरूप का अभ्यास ही पक्का करने की धुन है कि जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ तो घड़ी घड़ी मुझे कितना साइलेंस फील हो रहा है प्रैक्टिकल में। मतलब मुझे कोई कमेंट्री का आधार, जो बाबा ने आज बोला ना कि पुरुषार्थ के लिए कोई आधार नहीं चाहिए, तो बाबा मुझे कह रहा है कि तुम्हारा वो स्वरूप होना चाहिए, तो मुझे उसके लिए इतना आधार या इतना वो क्यों चाहिए? ये तो मेरा स्वरूप है ना। आज हम जैसे अगर देह अभिमान में है तो हमको कोई ये बता, मतलब अपने आप को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है कि मैं ये हूँ या मैं ऐसा हूँ। तो इसी प्रकार से हमारे लिए इतना नेचुरल हो जाए वो आकारी निराकारी स्वरूप, इतना नेचुरल हो जाए वो घर, इतना नेचुरल हो जाए वो बाप, इतना नेचुरल हो जाए, तो मुझे वो नेचुरल जो जो स्वतः वाला जो फीलिंग है ना, वो अभी ऐसा खींच होती है कि वो मुझे बाबा से फील करना है। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है राखी बहन, नेक्स्ट। जी भाई जी, नेक्स्ट 6 फरवरी 74 की परखने की शक्ति से महारथी की परख। जी रोमा बहन, आप शेयर करेंगे। जी दीदी, ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला है कि महारथी की परख करने के लिए परखने की शक्ति, तो इस पूरा मुरली में काफी सारे हमें महारथी के लिए स्लोगन्स और निशानियां और उनकी डेफिनेशंस वगैरह समझाई गई हैं। तो बाबा ने शुरू में ही हमसे बड़े अच्छे और पावरफुल क्वेश्चंस पूछे हैं। वो बोलते हैं कि जब
तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को, सर्वशक्तिवान को बुलाते हो, उनका आह्वान करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम सर्वशक्तिवान को बुलाते हैं तो क्या हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, क्या हमें उन्हें जब चाहे जैसा चाहे इमर्ज कर सकते हैं, उसको अपने कार्य व्यवहार में ला सकते हैं? तो बाबा आगे कहते हैं, क्योंकि अभी प्रत्यक्षता का समय है, जितना जितना अपनी शक्तियों को यूज करते जाएंगे तो उतना ही विजय का विजय हमारी आगे बढ़ती जाएगी, नारा बुलंद होता जाएगा। तो बाबा ने कहा इसके लिए जरूरत है परख की शक्ति, कि हमें कब किस शक्ति की आवश्यकता है, यानी कौन सी शक्ति को कहां पर और कैसे यूज करना है। इसके लिए परखने की शक्ति से ही सफलता मिलती है। लौकिकता में भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ है और हम उसे अपने समझ से, विवेक से परख नहीं कर पाते तो वो सारी की सारी प्राप्तियां किसी काम की नहीं होती और जो ड्यू चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। और ये भी देखते हैं कि जैसे किसी पर हम ट्रस्ट करते हैं, किसी को चाहे हम लौकिक या अलौकिक काम सौंपते हैं, क्या वो उसके काबिल है नहीं है, ये सब परख की जरूरत होती है और जो परखता है उसी को ही ज्यादा सफलता मिलती है। तो बाबा ने आगे बताया है कि जो महावीर हो यानी अष्ट रतन वही प्रत्यक्ष होंगे, यानी जिनमें वो आठ शक्तियां होंगी, परखने की शक्ति होगी, वही अष्ट रतन होंगे और वही फिर प्रत्यक्ष होंगे। फिर बाबा ने कहा कि अब कौन सी आत्मा महारथी की स्टेज पर है और कौन सी घुड़सवार की, इसके लिए भी परखने की निशानियां बताई। तो बाबा बताते हैं कि जो कोई सिचुएशन आती है, कोई समस्या आती है, उस वक्त हल खोजना शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त कहते हैं कि जैसे अचानक कुछ बाढ़ आ गया तभी तुम गड्ढा नहीं खोदना शुरू करोगे, बल्कि उसे पहले से ही होने वाली प्रॉब्लम को हम कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अकॉर्डिंगली जो भी ड्यू सेफ्टी मेजर्स हम लोगों ने लेने हैं वो अकॉर्डिंगली हम ले पाएंगे। जैसे हम साइंस की इन्वेंशन दिखाते हैं धीरे धीरे रिफाइन होती जा रही है, तो ऐसे साइलेंस के जो महारथी हैं उनका पुरुषार्थ भी उतना रिफाइन होते जाना चाहिए। वे विघ्न को आने ही नहीं देंगे, ताकि उसमें पहले वो आए, हम उसको समझे, उस सिचुएशन हो जाए कुछ इन सब में, और फिर उसके बाद बाबा को याद करें, कहते नहीं उतना टाइम वेस्ट ही ना हो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, निरंतर योगी बनना, मतलब एक सेकेंड का भी अंतर नहीं, लगातार बाबा की लगन में मगन। जैसे हम भक्ति में भी दिखाते हैं शिवलिंग में लगातार बाबा को जल का अभिषेक होता रहता है बूंद बूंद, तो वो हमारे अजपा जाप हमारे ये चलती रहे, बाबा की याद बनी रहे, ऐसे होते महारथी। तो बाबा ने आगे दूसरी डेफिनेशन दी है, ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाले अर्थात माया को दूर से भगाने वाले पुरुषार्थी ही महारथी कहलाते हैं। तो जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त मतलब ज्ञान को कैसे पॉइंट्स कहाँ पे यूज करना है, तो उतना ही वो अपने आने वाली समस्या को, अपने विघ्न को, उन्हें वो पहले से ही समझ आ जाएगी और वो उसको अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन ले पाएंगे। जैसे हमने देखा कि जितना जितना अपने मन के हम शोर को, व्यर्थ को, साधारण संकल्प को शांत करते जाते हैं, जितना जितना उतनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाती है, क्लीन होती जाती है, तो हम औरों के मनोभावों को भी समझ सकते हैं, परख पाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी हम लोगों ने सुना है कि जब वो लास्ट काफी अपनी कंप्लीशन के उसमें थे, तो वो बोलते थे कि हमें बोलना ही नहीं पड़ता था, बाबा के पास बैठते थे और हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर बाबा हमारे बोलने के बिना ही दे देते थे। तो बाबा ने आगे फिर डेफिनेशन एक और बताई कि वह सर्वस्व त्यागी है। बाबा ने यहाँ पे त्याग की बात करी है कि वह मोटे रूप से यानी कि जो स्थूलता यानी व्यवहार में जो दिखता है उसका तो क्या, लेकिन सूक्ष्म रूप यानी दृष्टि वृत्ति स्मृति स्वप्न संकल्प में भी उसका त्याग करते हैं, जो हमारे ये होते हैं विकार। अगर यहाँ अपने सब विकारों को वंश सहित त्याग करते हैं तो वहां पर यानी भविष्य में 21 जन वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकारी पीढ़ी चलती है। तो बाबा ने आगे बताया है कि अगर पूरी तरह से अगर हम अपने विकारों को मोटे और स्थूल दोनों, स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह से निकालते हैं तभी हम आगे प्राप्ति होगी। बाबा ने आगे बताया देवी वंश राम राज्य और आधा कल्प है शूद्र वंश विकारी राज्य रावण राज्य। तो जो इन विकारों को पूरी तरह से अंश वंश सहित खत्म करेगा
उसको 21 जन्म वंश सहित दैवी राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तो बाबा ने कई वाणियों में भी बताया कि सब नंबरवार राज्य करते हैं, जैसे कि लास्ट में सब तो पवित्र होके घर जाएंगे, लेकिन सब पूरी तरह से फुल नहीं होंगे, सबकी परसेंटेज होगी। जैसे कोई होगा 90% फुल, कोई होगा 85% फुल, कोई होगा 80%। तो उसी तरह से जिसे बाबा नंबरवार बोलते हैं, तो उसी तरह से वो अपने समय पे आएंगे। कोई पूरा 1-1 से आएगा, कोई लेट से आएगा। तो ये सब क्या होगा, ये आज की अभी की मेहनत पर ही उस हिसाब से हमें प्राप्ति होगी और अकॉर्डिंगली प्राप्ति कम होती जाएगी। फिर बाबा ने तीसरी डेफिनेशन दी है सर्वस्व अर्पणम, यानी उसके तन मन धन संपत्ति समय संबंध संपर्क सब तो है ही, लेकिन समय भी अपनी प्रॉब्लम को अपनी व्यर्थ को उसका खत्म करने में ना लगाए, बल्कि बाबा का कर्तव्य यानी सेवा अर्थ विश्व कल्याण अर्थ जो यहाँ पे वो करता जाएगा, सेवा अर्थ करता जाएगा बाबा की उतना ही, मतलब जो अपनी सिचुएशन में ही एंटेंगल रहेगा उसी को ही करने में लगा रहेगा, और बाबा की याद में या उस सेवा अर्थ विश्व कल्याण के अर्थ में उतना उसका टाइम उतना उसमें कम होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। तो भक्ति मार्ग में भी हम यही कहते हैं कि अमानत में ख्यानत, यानी अपने प्रति नहीं, जब हमने बोला कि बाबा हमारा सब कुछ आपका, तो बाबा बोलते हैं कि इसी प्रकार अपना समय भी स्वयं के प्रति स्वयं की कमजोरी के प्रति लगाते हो तो उसको महारथी नहीं बोलते। महारथी अर्थात अपना सब कुछ विश्व के कल्याण अर्थ लगाने वाले महादानी वरदानी, उन्हीं को ही कहा जाता है। तो वे इतने पावरफुल होंगे, उनका ऑरा इतना पावरफुल होगा कि दूर से ही वो लाइट माइट की तरह दिखाई देंगे। मीन्स लोगों को उनके दूर से देखने से भी सुख की शांति की ऐसी होगी, जैसे हम भक्ति काल में भी दिखाते हैं, दूर से अगर कोई बहुत प्रख्यात पंडित या बहुत जिन्होंने ऊंची साधना की हुई है उनको देखते ही मन को ऐसे लगते एकदम शांत हो जाए थे। तो बाबा ने यही बताया कि फिर आगे बताते हैं कि हमारा कर्म हमारे अनुभव और हम उनकी समझ उनकी मैच्योरिटी से भी प्रभाव दिखता है, यानी दो चीजें अलग अलग है। तो बाबा ने कहा कि महावीर को और अब महावीर और महारथियों का प्रभाव दिखना चाहिए, यानी एक तो हमारी जो जितनी हमारी दानी महादानी की एक तो ये ऑरा और दूसरा है हमारे अनुभव हमारे कर्म। तो बाबा ने यह सब पैरामीटर हमें दिए हैं कि अब ये सब चीजें हैं महारथी की, अब तुम चेक करो कि तुम्हारा नंबर कहाँ पर है। तो अगर हम इसमें से सामान निकालना चाहें तो बड़े अच्छे से बहुत सारे निकल सकते हैं, दो चार निकाले हैं। मैं महारथी हूँ, महावीर हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विकारों के सर्ववंश का त्याग करने वाली सर्वस्व त्यागी हूँ, मैं बाप समान विश्व कल्याण अर्थ हूँ, मैं महादानी वरदानी हूँ। ओम शांति। इस मुरली में काफी इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कही कि कोई भी बात जो आने वाली है उसे पहले से ही समझ के उसको हम प्रिवेंट कर दें, मतलब कि वो सिचुएशन आए ना। इसका कोई एग्जांपल शेयर करना चाहते हैं रोमा बहन, या तो आप कर दीजिए या कोई भी और भाई बहन जिनको ये सुनते सुनते कोई ख्याल आया कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब कि हमने कैसे परखा कि वो सिचुएशन आने से पहले ही हमने दूर कर ली। भाई जी मतलब जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो कभी कभी जब हम बहुत साइलेंट होते हैं अपने मन में एकदम शांत होते हैं तो कुछ कुछ कभी लगता है कि कुछ ऐसे नहीं एग्जैक्ट इतना क्लियर नहीं होता कि कुछ, लेकिन हाँ एक हमारे जैसे मतलब इसमें भी बोलते हैं कि सिक्स सेंस हमारी कुछ काम करती है, हम समझ सकते हैं और जैसे दूसरों की नजर को भी देख सकते हैं कि ये अभी कोई गुस्से में है या इसका ध्यान अभी कहाँ है, या मतलब वी कैन डू दैट, लेकिन उसके लिए हमारे अपने जो व्यर्थ है अपनी एंटेंगल इधर उधर बुद्धि ना लगी हो तो हम काफी हद तक इसको हम जज कर लेते हैं। कोई और भाई बहन इसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है परखने की शक्ति, तो कैसे कोई और अनुभव परखने की शक्ति का कोई बहुत ही प्रैक्टिकल सा कि ये पावर कैसे सूक्ष्म रूप से काम करती है। ओम शांति भाई जी, एक अनुभव है कि क्या था कि कुछ
हमारे आगे कुछ फाइनेंशियल टाइटनेस थी 2-3 साल पहले की, तो उस समय क्या हुआ कि जैसे घर का जो रेंट था वो मैं ट्यूशंस के थ्रू वो करती थी, उसको अरेंज करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे सितंबर महीने की बात थी, तो सितंबर में मेरे पास जब फीस आई बच्चों की, तो मुझे ऐसा पता नहीं जैसे एक बहुत क्लियर इंडिकेशन आया कि इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, सारा उठा के रख दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे आगे अभी कोई ऐसा कोई खर्चा है नहीं, तो मैंने रख दिया उसको ऐसा कैसा उठा के। और भाई जी उसके बाद अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कुछ पता नहीं क्या ऐसा हुआ अनटूवर्ड कि सारे बच्चों ने ट्यूशन छोड़ दिया अक्टूबर में। तो मतलब वो जो सिचुएशन थी, और उसके बाद फिर जैसे जनवरी मतलब जनवरी तक का जो रेंट था उतना था मेरे पास, क्योंकि मैंने वो मनी उठा के रख दिया था। उसके आगे फिर वो परिस्थिति बाबा ने और संभाली, और वो बहुत अच्छे से उसका सोल्यूशन निकल गया, लेकिन जनवरी तक वो सस्टेन हो जाए उसके लिए बाबा ने पहले से ही प्रबंध करा दिया। राइट, अच्छा अनुभव है। और कोई भाई को शेयर करना चाहेंगे परखने की शक्ति का कैसे प्रयोग किया? बाबा ने काफी अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे एक साइक्लोन का एग्जांपल होता है कि पहले क्या होता था, साइक्लोन कुछ आया, लेट से सुपर साइक्लोन आया उड़ीसा में, तो 10,000 आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया। अभी उससे भी भयंकर साइक्लोन तो आता है, लेकिन क्योंकि पहले से प्रेडिक्शन हो जाती है, पहले से पता चल जाता है, बाबा ने कहा कि पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सुरक्षा के साधन अपना लेते हैं, तो वहाँ से लोगों को हटा के सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, सारी चीज़ें सेफ हो जाती हैं, तो कम से कम नुकसान होता है। तो इस तरह से हमारे परखने की शक्ति के कौन से सिस्टम्स ऐसे डेवलप किए हमने कि कम से कम नुकसान हो, कोई बात अगर आ भी जाती है तो कोई और इसका अनुभव कोई शेयर करना चाहता है? शांति, जैसे वर्क एनवायरनमेंट में, पर इसमें थोड़ा सा ये है कि हम दूसरे के स्वभाव संस्कार को थोड़ा समझ लेते हैं, परख लेते हैं, तो जब पता होता है कि इनकी नेचर ऐसी ही है तो आगे जो आने वाली सिचुएशंस हैं उनको हम बेटर प्रेपरेशन के साथ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ वो अपने संस्कार के हिसाब से बिहेव करेंगे। तो इंस्टेड के हम उस सिचुएशन में लॉस्ट होने के या इन्वॉल्व होने के, हम बड़ा टैक्टफुली या फिर कहेंगे कि बाबा से लीडरशिप स्किल्स हम सीख सकते हैं, कि इंस्टेड के हम उस सिचुएशन में खुद खो जाएं या फिर दूसरों को भी इम्पैक्ट होने दें, हम उसमें एज अ गुड लीडर जंप इन कर सकते हैं, और उस सिचुएशन को हम उस व्यक्ति के साथ भी हैंडल कर सकते हैं, और साथ में मेक श्योर कर सकते हैं कि वो दूसरे व्यक्तियों पे भी उसका प्रभाव ना हो। तो टू गिव अ कॉन्क्रीट एग्जांपल, एक हमारे वर्क पे थे जिनको अपने आइडिया से बहुत ज्यादा लगाव था, तो विच इज फाइन, आई मीन एंड द आइडियाज वर गुड आल्सो, बट दैट डजंट मीन कि दूसरों के आइडियाज अच्छे नहीं है या फिर दूसरे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में कई बार हमको उनको भी इंकरेज करना पड़ता था कि हाँ हाँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बट जो उन्होंने ट्राई किया उसको भी एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके आइडिया के भी आगे विस्तार में जाते हैं, ताकि जिन्होंने अपना आइडिया पहले प्रपोज किया है या जिन्होंने काम किया है 2-3 महीने से, उनको भी बुरा नहीं लगे, और जो आइडिया प्रपोज कर रहे हैं वो आत्मा प्रपोज कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसके पास भी वैल्यू है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें प्रैक्टिकल में लास्ट ईयर बहुत ऐसे सीन सामने आए, जिसमें 69 की एक मुरली है बहुत शुरू शुरू की, उसमें बाबा ने 2-3 लाइनें कही थी कि बात को कट नहीं करो, रिगार्ड दो, और वो बात हमने बांध के रखी पूरा पिछला साल 2000 हुआ था। तो
कमिंग बैक टू परखने की शक्ति, तो थोड़ा बहुत सिचुएशन को समझ कर अगर हम अंदर खुद साइलेंट रहते हैं और इन्वॉल्व नहीं होते तो हम डिसीजन मेकिंग. तो जैसे कि बहुत ही अच्छा बताया आपने, तो इसमें बेसिकली आपने जो बताया उससे एक बात याद आ गई, बाबा ने 10th जनवरी 1988 की अव्यक्त मुरली चलाई है, उस मुरली का टाइटल है मनन करने की विधि और मनन करने की विभिन्न युक्तियां क्या है. बाबा ने उसमें चार बातें बताई हैं कि चार बातें अगर आप कर रहे हो तो आप मनन कर रहे हो उस पॉइंट के ऊपर, नहीं तो वो आप सिर्फ रिपीट कर रहे हो. तो वो चार बातें कौन सी है वो हम सबको याद रखनी है, और कोई भी बात हम शेयर करते हैं तो उसमें हमें चारों बातों पे वो देखना चाहिए. तो पहली बात बाबा ने कहा कि कोई भी पॉइंट जो मुरली का है उसमें ये देखो कि इसका गहरा राज क्या है. वो एक सुपरफिशियल ज्ञान की बात नहीं है, उसके बहुत गहरे राज हैं. दूसरा बाबा ने कहा कि फिर ये देखो कि ये किस विधि से अप्लाई होगी, और तीसरी बात है कि किस समय इसको हमें यूज़ करना है इस पॉइंट को. चौथी बात है कि भिन्न भिन्न माया की परिस्थितियों में या प्रकृति की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में और किन लोगों के साथ वो पॉइंट कैसे यूज़ करनी है, ये सब चिंतन चलते रहना चाहिए दिन भर. इट मीन्स कि हर पॉइंट हर किसी के लिए काम नहीं करेगी. उस आत्मा का नेचर कैसा है, वो आत्मा कितनी सेंसिटिव है, जैसा कि आपने बताया, उस आत्मा को हमें कौन सी पॉइंट बता के उसको उसके संग हैंडलिंग करनी है, तो ये सब मनन का पार्ट है सारा. ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुरली है वो, तो आप सब लोग उसकी डेट नोट करके उसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. 10th जनवरी 1988. तो रखे बहन इसमें आगे चले. जी भाई जी, भाई जी 20/2/1974 की वाणी है, सदा सहयोगी एवं सहजयोगी बने. भाई जी इस वाणी में बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने मधुबन निवासियों के साथ मीटिंग हो रही है, तो कोई भी वाणी जैसे हम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले बाबा महिमा करते हैं, बच्चों को ऊंचे स्वमान में स्थित करते हैं, नशा चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बाबा चेकिंग पॉइंट बोलते हैं कि क्या बच्चे तुम ऐसे हो, क्या तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, चेकिंग पॉइंट बताते हैं. फिर बाबा उसकी युक्ति बताते हैं, उसकी विधि कि कैसे तुम्हें वो बनना है. तो जैसे कि ये वाली जो वाणी है कि सदा सहयोगी एवं सहज योगी बनो, तो उसमें बाबा ने मधुबन निवासियों से बात की कि जैसे बाप के कर्तव्य में तुम सदा सहयोगी हो, सदा स्नेही हो, तो तुम्हारी भी बाप के साथ महिमा है, उतनी ही महिमा है जितनी परमात्मा की महिमा है, क्योंकि तुम बच्चे बाबा के साथ सदा सहयोगी हो कर्तव्य में. तो इसमें बाबा ने कहा कि तुम्हें विशेष वरदान भूमि में रहने से तुम्हें सहयोग मिलता है, पुरुषार्थ करने में सहयोग मिलता है, क्योंकि वहां संघ है और वृत्ति और स्मृति, ये दोनों जो है वो पुरुषार्थ में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि जो स्मृति बनती है वो बनती है संघ से, कि जैसा संघ है वैसी स्मृति बनी रहती है, और वृत्ति बनती है वायुमंडल से. तो मधुबन निवासियों को ये दोनों ही उपलब्ध हैं, हर समय पूरे दिन वो बाबा के साथ हैं, बाबा की उनके घर में हैं, है ना, बाबा के श्रेष्ठ संघ में हैं, और तो अमृत वेले से रात तक वो उसी श्रेष्ठ संघ का वो अनुभव करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की भूमि है, वरदानी भूमि है, और वैसा ही वहां का शुद्ध वातावरण और शांत वायुमंडल है, जिससे कि स्मृति और वृत्ति दोनों ही सहज ही श्रेष्ठ बन सकती हैं. तो ये मधुबन निवासियों को बाबा ने कहा कि तुम्हें ये गोल्डन चांस है और तुम इसका लाभ उठा सकते हो. फिर बाबा ने मधुबन निवासियों की महिमा करते हुए बोला कि तुम रूहे गुलाब हो, क्योंकि जो तुम बाबा के सामने समर्पित हुए हो, बाहर की जो आत्माएं हैं उन्हें हम कमल का फूल कहते हैं क्योंकि वो न्यारे प्यारे रहते हैं, लेकिन यहाँ बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि जो गुलाब है उसकी महिमा ज्यादा है, क्योंकि गुलाब का फूल जो है वो पूजा के भी काम आता है और देवताओं को अर्पित भी होता है. तो तुम बच्चे तो बाबा के आगे अर्पित हुए रूहे गुलाब हो, तुम्हारी रूहानी खुशबू जो है वो चारों ओर फैलती है, तो इसलिए जैसा नाम वैसा काम. तो फिर बाबा ने कहा कि चेक करो क्या
तुम्हें जो संग मिला है उस संग के अनुसार तुम्हारी स्मृति है? जैसा तुम्हें वातावरण मिला है क्या वैसी वृत्ति है? और सब कुछ मिला है तो फिर अलबेलापन क्यों है? कहाँ जाकर के अब वरदान भूमि में भी हो, मधुबन निवासी हो, उसके बाद भी अलबेलापन आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ भाग्य की पहचान नहीं है, ज्ञान की कमी है, पहचान की कमी है। इसलिए अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान का फल अनुभव करो। तो बाबा ने बात मधुबन निवासी को कही, लेकिन पिछली वाणी में बाबा ने कहा था कि हम सब भी मधुबन निवासी हैं। यदि हमारा मन मधुबन में है ना, मधुबन यानी मधुरता, बेहद का वैराग्य, और यदि हम इमर्ज करें, हम जब योग से भी अपने सूक्ष्म रूप से जब मधुबन पहुंच जाते हैं तो हम सहज ही वहां के वायुमंडल को, वहां की जो रूहानियत है, वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। वो हमारे अंदर जैसे खींची चली आ रही है, वो हमारे अंदर समा जाती है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम सच में मधुबन में हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, बाबा की कुटिया में बैठे हैं, शांति स्तंभ के सामने हैं। वैसे ही वाइब्रेशन फील होते हैं जैसे वहां होने पर होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो वहां बैठी हुई आत्माएं हैं वो उतना अच्छा अनुभव नहीं कर पाती जो दूर बैठी हुई आत्माएं भी अपना इमर्ज करके वहां पहुंच करके अपने मन से भी उस वाइब्रेशन को कैच कर लेती हैं। तो इसमें फिर बाबा ने आगे कहा कि पांडवों का किला तो प्रसिद्ध है। तो पांडवों का किला यानी कि जैसे कि महाभारत में 5 पांडव बताए गए हैं, उन 5ों में यूनिटी थी, उन 5ों में अलग अलग क्वालिटीज थी। एक की भी क्वालिटी कम होती है तो गड़बड़ हो जाती थी, या एक ही स्थिति खराब होती थी तो वो चारों मिलकर के उसको प्रोटेक्ट करते थे, उसको खड़ा कर देते थे। तो वहां 5ों में 5ों मिलकर के जो है वो विजयी हुए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो किला है वो मजबूत होना चाहिए, कि जो एक एक ईंट है दीवार में, उसमें यदि छोटा सा भी कोई क्रैक आ जाए तो तुमको मिलकर के उसको हिलने नहीं देना है, दीवार को हिलने नहीं देना है। तो ऐसे ही यदि मधुबन भूमि में भी रह के या हम संगठन में हैं, तो हम में से किसी एक आत्मा की भी स्थिति ऊपर नीचे होती है तो हमें एक दूसरे को सहयोग देना है, उसे फिर से खड़ा कर देना है। ऐसा नहीं कि हम उससे किनारा हो जाएं, या हम एक घड़ी का, जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया कि रॉब यदि हम दे रहे हैं अपना एक कि किसी को, किसी की हमने कमजोरी देखी किसी आत्मा की और हमने उस पर रौब दिखा दिया तो सारे दिन की रूहानियत को गवा देंगे ना, तो इससे तो फौरन किनारा कर लेना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरुषों का रौब ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर बाबा ने इसके लिए युक्ति बताई कि भाई भाई की दृष्टि रखोगे तो रौब नहीं रहेगा। तो इसीलिए ना बहन देखो ना भाई देखो, इसलिए सदा आत्मा को ही देखो। यही दृष्टि जो है ये हमारी पक्की होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ना पुरुष के भान में देखे ना स्त्री के भान में देखे, सिर्फ एक आत्मा के भान में देखे। तो इसी का एग्जांपल दिया गया कि पांडव जो है वो सब गल गए, गल गए यानी कि मैंपन से गल गए, है ना, कि वो जो उनके अंदर पांडवों का जो एक गायन है, जो भी उनकी महिमा है, जो उनकी क्वालिटी के बेस पे की गई है, लेकिन आखिरी समय पर जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी उसके बाद वो सब कुछ छोड़ करके निकल गए थे, यानी कि कहा गया कि वो गल गए। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को गलाना है, मैंपन को गलाना है, अपने अंदर एक सूक्ष्म में भी कोई रौब नहीं है। तो यदि जितना हम गलाते जाएंगे उतना हम सच्चा सोना बनते जाएंगे, हमारा रूप परिवर्तित होता जाएगा। जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं, जो बाबा हमारे अंदर दिन प्रतिदिन निखार लाना चाहते हैं, वो तभी आएगा जितना हमारे अंदर वो मैपन, सूक्ष्म में भी कहीं रौब है तो वो हमें, वो हमारी फिर रूहानियत को खत्म कर देगा। इसलिए वो रूहानियत हमारी कायम रहे, इस पर बाबा ने हमें फिर अटेंशन दिलाया। इसीलिए जैसे वृत्ति और स्मृति वो हमारी पक्की करना है, इस मुरली से जो मिला कि वृत्ति और स्मृति हमारी जितनी पक्की होगी, क्योंकि स्मृति रहती है संग से, तो एक बाबा का संग हम अपने साथ हमेशा रखें, और वृत्ति बनती है वायुमंडल से, तो हम जो है अपने
वृत्ति से कहें, अपने मन से बस मधुबन भूमि में पहुंच जाएं और वहां की सारी जैसे कि शक्ति है या परम धाम की जो भी साइलेंस पावर है वो अपने अंदर समा लें, कैच कर लें, खींच लें, तो उससे हमारी वृत्ति जो है वो तुरंत श्रेष्ठ बन सकती है। जी ओम शांति। काफी अच्छे डायरेक्शन से भी रहे। तो अभी नेक्स्ट मॉड्यूल लेनी है क्या बहन? आ गई वो? हाँ जी हाँ जी, 25174 की है रुचि बहन जी। हाँ जी ओम शांति। तो मुरली का टाइटल है निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। 25/1974 की मुरली है। इसके तीन भाग है मुरली के एक तरीके से। व्हाट, तो फोकस है हमारा निराकार पर, और फिर हाउ, क्या मेथड है उसकी डेप्थ में जाने का, और फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बाबा ने कंपैरिजन किया है इसमें कि जो साकार स्वरूप है जैसे उसको हमेशा हम कितना इजीली याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एग्जांपल हमें हेल्प करता है फीमेल या मेल, है ना, हमें एक बार पता चल गया कि हम फीमेल हैं, फलानी जगह जॉब करते हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, ये सब चीजें, ये हमारा घर है। जैसे ये चीजें हमें बार बार याद नहीं दिलानी पड़ती हैं, एक बार नॉलेज मिल गई तो बस उसके बाद वो चीजें हमारे अंदर एकदम पक्की हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसी तरीके से आपका जो निराकारी स्वरूप है वो भी आपका अपना है। तो यहाँ पे कीवर्ड है हमें जो ध्यान में रखना है, अपनापन। तो बाबा कहते हैं कि अपनापन जो है वो भुलाना मुश्किल होता है, और ये इसके हम सभी, हमें प्रैक्टिकल में सबको एक्सपीरियंस है इस बात का। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जो स्थूल वस्तु है उसमें जब आपका अपनापन रहता है तो आपको वो सदा याद रहती है, बार बार याद नहीं कराना पड़ता, क्योंकि उसमें हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व है, देखना, सुनना, टच, फील, ये सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तो बाबा कहते हैं आपको जो आपका अविनाशी निजी स्वरूप है, अपना स्वरूप है, उसकी भी आपको नॉलेज तो मिल चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आप निराकार आत्मा हो, तो अब आपको उसकी भी सहज स्मृति रहनी चाहिए। तो फिर बाबा ने आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको कैसे सहज और बनाना है, उसके लिए बाबा ने कहा कि इसके जो अभ्यास है, ये स्मृति स्वरूप जो आपका है, इसका अभ्यास के लिए इसकी डेप्थ में जाओ। तो बाबा ने यहाँ पे एग्जाम्पल यूज किया साइंस वालों का, कि जैसे वो नई नई इन्वेंशन करते हैं तो डेप्थ में जाते हैं एक चीज के, तो आप भी ऐसे ही अपना जो आनंद का गुण है फॉर एग्जाम्पल उसके, और जो आपके संस्कार है निराकार के, उसके आप डेप्थ में जाओ, उसको डीपनेस से, गहराई से उसका अनुभव करो। इससे एक तो हमारा इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ेगा, क्यूरोसिटी बढ़ेगी, एक न्यूनेस आएगी हमारे पुरुषार्थ में, रमणीकता बढ़ेगी। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हर गुण को लो एट अ टाइम और उसको एक्सपेरिमेंट करो। तो बाबा ने यहाँ पे वर्ल्डली एग्जाम्पल दिया था कि जैसे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना गहराई में जाते हैं तो नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जब आप अंतर्मुखी रहोगे और अपने अपने इस स्वयं में, अपने स्वरूप में खोए रहोगे, तो आपको नए नए अनुभव होंगे और ऐसे महसूस करोगे जैसे इसी में खोए हुए हैं। तो फिर आगे बाबा ने एक स्थूल एग्जाम्पल भी यूज किया कि जैसे मछली जो है उसका आकर्षण पानी से होता है, सिर्फ वो बाहर अगर आएगी भी शरीर निर्वाह के लिए, कुछ सेकंड के लिए आएगी फिर वापस अंदर चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब आप बिजी हो जाओगे अपने भिन्न भिन्न अनुभवों में सागर के अंदर, तो आप भी सिर्फ जो आपकी बाह्य मुक्ता की जो आदत बनी हुई है उससे आपका किनारा हो जाएगा। तो सिर्फ आप इंद्रियों को यूज करके अपने काम कार्य अर्थ ही आओगे, नहीं तो अभी जो है और पास्ट में कहें या जैसे भी है कि हमारा जो है आकर्षण डूइंग में ज्यादा है, करना है करना है करना है, कर्म में ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं कि इससे आपका जो आकर्षण है वो अपने लगाव और आकर्षण अपनी असली स्वरूप स्थिति की तरफ चला जाएगा। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें बाबा ने एग्जाम्पल यूज किया जैसे मिश्री जो है वो मिठास का अनुभव कराती है, तो वो उसका गुण है इसी तरीके से। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा इसका, अगर हम अपने स्वरूप का अच्छे से अभ्यास करेंगे और इसके डेप्थ में जाएंगे, तो इसका जो अनुभव, इसका जो बेनिफिट है वो है
कि जैसे मिश्री जो है बाबा ने कहा कि वो अपने गुण का अनुभव कराती है, ऐसे ही जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो और आत्माएं आपके इस एक्सपीरियंस को वो भी अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारा खुद का भी जैसे अनुभव है अगर हम शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं तो और आत्माओं को भी वो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और वो भी इसका अनुभव करते हैं, उनको हमारी कंपनी में रहना अच्छा लगता है, उनको एनवायरमेंट अच्छा लगता है जो हमने क्रिएट किया है। तो बाबा कहते हैं कि इसी से और आत्माएं आकर्षित होंगी। इसमें चार एक्चुअली बेनिफिट्स हैं, एक तो लगाव और आकर्षण अनुभव, जो हमारा जो लगाव और आकर्षण है वो सागर की तरफ हो जाएगा जो हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपने जो गुणों का। दूसरा जो आत्माएं जो है वो आकर्षित होंगी। तीसरा जो है बाबा ने कहा इस चीज को कि आपको दूसरों को अनुभव कर खुद को अनुभव करना है और दूसरों को कराना है, इसको अपना विशेष कर्तव्य समझो। तो एक जो जिम्मेवारी हमारी है उसकी अनुभूति हमें सदा रहेगी कि क्यों करना है हमें, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये हमें दूसरों को भी इससे बेनिफिट करना है। और जो लास्ट इसमें बेनिफिट वो अगले पैराग्राफ में आता है, जब हम अपने स्वरूप में खोए रहेंगे तो बाबा ने कहा कि अभी तो सिर्फ आपने थोड़ा सा टेस्ट किया है, जब एज अ टीजर अनुभव किया है, चक्कर देखा है, जो कि हम जब ज्ञान में शुरू शुरू में आते हैं हम सबको एक्सपीरियंस है कि हमें शांति का जो अनुभव होता है जब हम कलयुगी दुनिया से अपने दुखों से दुखी होकर भर कर यहाँ पे आते हैं तो जरा सी शांति का भी जो हमें टेस्ट मिलता है वही एक तरीके से आधार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तो सिर्फ आपने टीजर लिया है, अब आगे इसको और डेप्थ में जाकर इसको अपने स्वरूप में लाओ, तब कहेंगे खाया और स्वरूप भी बना, खो जाओ उसमें, उसकी लगन में मगन हो जाओ। तो यहाँ पे जो लास्ट बेनिफिट इसका बाबा ने कहा कि अगर ऐसा होगा जब इस अनुभव में डीप जाओगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं वो स्वयं ही स्वतः ही किनारा कर लेंगी, विदाई ले लेंगी। तो जो छोटी छोटी ये बातें आती हैं, ये सारी जो कर्मा की फिलॉसफी है ये हमें बैलेंस करने के लिए आती है। तो एक तरीके से जब हम खुद ही खुद को बैलेंस कर रहे हैं इस रीति से अपने स्वरूप में स्थित होने से, जो सहज बातें हैं, जो सिंपल बातें हैं, वो फिर हमें बॉदर नहीं करेंगी, वो एक तरीके से हमारे चैलेंजिंग नहीं रहेंगी, वो स्वतः ही विदाई ले लेंगी। तो एक तरीके से योग का जो बेनिफिट है, फिर ऑफ कोर्स जो डीपर जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स भी जैसे चैलेंजेस हैं वो भी एडवांस होते जाते हैं, तो फिर उनके लिए और युक्तियां जो बाबा ने और बताई हुई हैं और मुर्गियों में। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू अजय बहन। तो जैसा कि बाबा ने कहा कि सिर्फ चक्कर देखा है, थोड़ा सा अनुभव किया है, अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को भी पकड़ लें, आज बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हीरों की खान पर आए और सिर्फ दो चार हीरे लेके ही संतुष्ट हो गए। एक्चुअली हमें ये बात बहुत डीपली रियलाइज करनी है कि हमें जो एक बहुत रिच सोर्स मिला है एक्सपीरियंस करने की, जितनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है दुनिया में शायद किसी के पास नहीं होगी इतनी। We have so much opportunities to experience deeply, स्वमान के आधार पे, टाइटल्स के आधार पे, मुरली के आधार पे। तो अगर हम अपने अंदर हम ये बात क्रिएट करें कि बाबा ने जो जो बातें कही हैं, हर लाइन हर शब्द मुझे अनुभव में लेकर आना है, तो सागर में हम इतने गहरे समाते जाएंगे और उसमें जो अनुभव होंगे वो फिर बाबा ने कहा कि बहुत ही गहरे गहरे अनुभव होंगे, तो सागर में समा जाएंगे। तो वही लक्ष्य हमें भी रखना है इस जनवरी मंथ में भी कि अनुभव की गहराई में जाना है, यही हमारा पर्पस है। हम करेंगे अनुभव तो हम करा भी सकेंगे। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी तैयारी से आते हैं, इतना अच्छा डिस्कशन होता है। राखी बहन, रुचि बहन, रश्मि बहन, आंचल बहन और जिन्होंने भी शेयर किया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। राखी बहन आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है? भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओके।